हम बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक के बारे में। कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है, हमको पहले यहाँ पर लगातार के लिए डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। पहले हमको स्टॉक में लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, जिसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में तेजी देखने को मिली। स्टॉक की जो ये तेजी है यहाँ पर लंबे समय तक यहाँ पर कंटिन्यू नहीं रह पाई, और अभी अगेन हमको स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 0.32% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अगर अभी स्टॉक में और गिरावट आती है तो ऐसे भी और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 1815 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन ऐसे हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी गिरावट, एक हैवी सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन ऐसे हमको स्टॉक में 1782, देन यहाँ से हमको स्टॉक में 1751 है, देन यहाँ से भी हमको स्टॉक में अगेन 1732 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। वहीं यहाँ से अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो ऐसा रिकवरी कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 1836 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 1865, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 1925, और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से भी हमको स्टॉक में अगेन 1986, इसके बाद हमको यहाँ पे स्टॉक में 2066, और उसके बाद हमको यहाँ पे स्टॉक में 2100 और 2200 तक के लेवल्स भी यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बायस होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।